हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज है 26 अगस्त और आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज है रक्षाबंधन और मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा मेरी है आज एनिवर्सरी, तो प्लान तो था मसूरी देहरादून जाने का, लेकिन अभी निकल रहे हैं अपनी अपाची लेके हम आगरा। तो मैं अकेला नहीं जा रहा, एक मेरा भाई जा रहा है जिक्सर लेके, मेरे छोटे नवाब जा रहे हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इसकी जो कमियां हैं और जो अभी तक प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया कि भाई टीवीएस वालों ने आपको कितने रुपए दिए प्रमोशन करने के, तो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी में जो जो सही चीज़ है वो बता रहा हूँ। भाई 1,00,000 रुपये खर्च करें तो पहले अच्छा ही बताऊँगा ना यार, बुराई तो बताऊँगा नहीं। तो गाइस इस गाड़ी के आज जो इसमें कमियाँ हैं उसकी बात करेंगे और जो मेरे को अभी तक प्रॉब्लम आई हैं उन सब चीज़ों की बात करेंगे, आज कहीं बात करेंगे, देखते हैं। और आज आपको कराते हैं ताज महल के दीदार। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं शुरू। बूम। चलो सो गाइस पहुंच गए आगरा। तो गाइस अब पहुंच गए सीधा आगरा, आगरा पहुंच गए। रास्ते की वीडियो दिखाई नहीं थी क्योंकि काफी जाम था, मेरे पे एक्शन कैम भी नहीं है तो वीडियो दिखा नहीं सकता। तो अब बात करते हैं इसकी कमी की, जो इस बाइक में कमियां हैं। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ इस बाइक में क्या क्या कमियां हैं, एक बार आ जाओ इधर को। तो पहली कमी है ये मीटर, इसका इसमें सब कुछ मिलता है। इस मीटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है RPM पे, अगर वो देखनी हो तो लिंक मिल जाएगा, उसे देख जाके देख लेना। इस मीटर में सब कुछ मिलता है लेकिन आपको इसमें गियर इंडिकेटर नहीं मिलता, तो ये कमी है इस गाड़ी में। ये गियर इंडिकेटर होना चाहिए था यार, 1,00,000 की गाड़ी, तो गियर इंडिकेटर होना ज़रूरी था, तो TVS वालों ने दिया था, ये कमी है। दूसरी कमी है इसका ये हैंडल, हैंडल में कमी नहीं है गाइस, हैंडल काफ़ी अच्छा है लेकिन जो इसका टर्निंग रेडियंस है ये जो है ये, यानी कि गाड़ी मोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप 10-15 फुट की गली में गाड़ी मोड़ोगे तो आपको 2-3 बार आगे पीछे करनी पड़ेगी जब गाड़ी मुड़ेगी, क्योंकि इसका टर्निंग जो है बहुत कम है, गाड़ी बहुत हैंडल बहुत कम कटता है इसका। तो दूसरी तो कमी है इसमें ये, तीसरी कमी बता देता हूँ मैं आपको, तीसरी कमी है गाइस इसकी जो है बॉडी है, ये जो बॉडी है इसकी मेरे को क्वालिटी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये जो लोगो है इसका, इसकी पूंछ टूट चुकी है, मैं इसकी सफाई कर रहा था तो ये इसकी पूंछ टूट गई है, तो यार ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और सेम दूसरा ऐसा ही इधर वाला हो गया, इसकी भी इसकी टांग टूट गई है सफाई करते में, तो गाइस इसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हल्की पुल्की लग जाए तो स्क्रैचेज आती है, देखो एक ही स्क्रैच आई हुई है, एक ही आई हुई है, हल्का सा लगती है, इसका पैंट निकल जाता है, एक देखो इधर हल्की सी लगते ही इसका पैंट निकल जाता है, तो गाइज इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और मैं बात करता हूँ सीटिंग की, ये जो इसकी सीट है पिलियन सीट तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी सीट है पिलियन, लेकिन ये जो है इसकी राइडर सीट ये इतनी अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती शायद मैं इसे नहीं बनवाता, मैंने ये सीट बनवा रखी है, उसका वीडियो आएगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख लेना, ये सीट भी मैंने बनवा रखी है फॉर्म लगवा के। तो गाइज इसकी इस गाड़ी में कमियाँ हैं। और गाइज सीट से याद आया कि ये इसकी जो हाइट है, ये बाइक जो टोल राइडर्स के लिए बाइक नहीं है, क्योंकि 5 फुट या से कम बंदों के लिए बाइक नहीं है, तो गाइज ये भी इसमें कमी है। तो भाई ये कमियां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि आपको पैसे मिले TVS वालों से, तो भाई TVS वालों से मुझे कोई पैसे नहीं मिले और ना ही मैं गाड़ी का प्रमोशन कर रहा हूँ। भाई अपनी गाड़ी है, 1,00,000 रुपये की गाड़ी है, तो भाई पहले तो अच्छा ही बताऊँगा ना, बाद में बुराई बताऊँगा, ठीक है गाइज ये इसमें कमियाँ थी। अब इसकी जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके लिए मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बताता हूँ मैं आपको। तो दूसरी हमारे साथ जो आई है जिक्सर आई है, ये हमारे इकबाल भाई की, अभी यहीं थे पता नहीं कहाँ चले गए। दूसरी गाय जिक्सर लेके आए हम, तो अब हम अभी आगरा में अभी जाएंगे थोड़ा सा घूमने, उसके बाद फिर इसकी जो कमियाँ हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कमी मैंने आपको बता दी हैं जो अब तक मैंने मेरे को प्रॉब्लम्स आई उसके लिए, और मैं अभी आपको बता दूँगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इस बाइक में अब तक, दूसरी सर्विस तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो वह वीडियो आगे तक देखना, वीडियो अगर पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और रास्ते की वीडियो नहीं दिखा पाया, उसका रीज़न ये था कि मेरे को कोई एक्शन कैम नहीं था, तो गाइस एक्शन कैम भी लेंगे इंशाल्लाह, अगर आप 2,000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो यार सब्सक्राइब होने बहुत ज़रूरी है। तो गाइस चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, हिम्मत बढ़ाओ थोड़ी सी, तुम्हारा भाई एक्शन कैम लेगा, फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाएगा राइडिंग की, लद्दाख वगैरह भी इसे लेके जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, और इसकी और भी राइडिंग वीडियो बनाते रहेंगे। तो गाइस आगे तक बने रहो, मैं इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा आगे। सो फाइनली पहुंच गए हैं ताजमहल, ये तो ताजमहल है।
कुछ शॉट लिए अच्छे अच्छे दिखाता हूँ अभी आपको। आपको ताजमहल की फुटेज अच्छी लगी होंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की कि अभी तक कितनी प्रॉब्लम्स आई है मेरे को, इस राइड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं सब बताऊंगा। चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो यार मैं एक इसकी कमी बताना और भूल गया, ये जो इसका बल्ब है हेलोजिन, यार अब LED का जमाना, तो इस बाइक में हेलोजिन बल्ब दिया गया, इसकी रोशनी ठीक है लेकिन LED का टाइम है तो यार LED होती तो बहुत बेहतर था। चलो अब इसकी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो मेरे को अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो देखो एक बार मैं आपको मीटर दिखाता हूँ पहले। तो ट्रिप वन, ये 474 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है, ये मेरी लॉन्ग राइड बोल सकते हो आप इसे, छोटी सी लॉन्ग राइड। तो इसमें जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई पहले वो बता देता हूँ। इस राइड में मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई, दो बार चलती चलती बाइक में 100 से ऊपर गाड़ी जा रही थी, इसका इग्निशन ऑफ हुआ दो बार, एकदम ऑफ हुआ ऑन हुआ दो, ये प्रॉब्लम आई। दूसरी इस राइड में जो प्रॉब्लम आई, मैंने इसका टैंक फुल कराया था, जो कंपनी मना करती है टैंक फुल नहीं कराना चाहिए, टैंक फुल कराने के बाद ये काफ़ी खटर पटर करने लगा था, यानी कि इसमें काफ़ी साउंड आने लगा था, तो ये इसमें प्रॉब्लम है, सॉरी इसमें ये मेरे को प्रॉब्लम आई है। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ मैं, तो एक बार इसका चैन सेट देख लो आप। तो गाइज इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो इसका हिस्सा है, इन्होंने सेकंड सर्विस में भी मेरी चैन वॉश नहीं की ना ही सफाई की। तो मैंने ये खोला, एक स्क्रू नीचे होता है इसके यहाँ पर, वो खोलने के बाद यहाँ काफ़ी गंदगी निकली, मैंने चैन वॉश की, खुद वॉश की, उसका वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी, इसने वीडियो नहीं बना पाया। तो इसकी चैन की प्रॉब्लम रहती है, आप कभी सर्विस सेंटर जाओ तो उनसे कहना वॉश करो, अगर वो लोग वॉश ना करें तो चैन अपने आप डीजल वगैरह से इसे वॉश कर सकते हो। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। तीसरी मेरे को प्रॉब्लम है गियर की, जो मेरी अभी तक सॉल्व नहीं है। तो जो फर्स्ट गियर है न्यूट्रल, हम फर्स्ट गियर डालते हैं तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, फर्स्ट से सेकंड हो जाते हैं तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, तो ज़्यादातर गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। तो इसमें एक ये प्रॉब्लम ही आ रही है, और मैं बता देता हूँ ये आपको इसमें, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस एक प्रॉब्लम मेरे को रियर डिस्क में आई, डिस्क जो था रियर डिस्क, इसका CTC इसमें आवाज़ आया करती, तो वो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुकी है मेरी। एक ये भी प्रॉब्लम है, शायद ये मैंने काफ़ी लोगों से कमेंट में सुना है कि ये प्रॉब्लम हमारी बाइक में हुई कि ब्रेक लगाती CTK आवाज़ आती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम मेरे को आई। उसके अलावा गाड़ी देख लो एक बार, काफ़ी गंदी हो रही, क्योंकि मैं अभी आगरे से आया हूँ तो मैंने गाड़ी वॉश नहीं कराई है, गाड़ी वॉश करा लूँगा। तो गाइस यही इसमें प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने अभी तक प्रॉब्लम फेस की है, सारी प्रॉब्लम दूर हो गई मेरी, सिर्फ एक गियर की प्रॉब्लम अभी दूर नहीं हुई है। तो गाइस यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। यार देखो मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, 3-4 बार 3 दिन में ये वीडियो पूरा प्रॉपर जाकर शूट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ तक का वीडियो जो आपको मैंने शॉर्ट्स दिखाए ताजमहल के वो पसंद आए होंगे। यार मुझे पता है इतने अच्छे शॉर्ट्स नहीं है क्योंकि हमारे पास शूट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने टारगेट बनाया 2000 सब्सक्राइबर्स का, 2000 सब्सक्राइबर्स होते ही
एक्शन कैम वगैरह लेंगे, शूट करेंगे अच्छा सा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।